हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। हमने कल उम्र से आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्र कंप्लीट हो गया और अभी हम तुर्की में हैं और आज भी तुर्की में चांद रात है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तुर्की में चांद रात में हम क्या करते हैं और ईद के लिए कौन सा स्वीट बनाती है और हमारी शॉपिंग किस तरह हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग के अंदर होगा। और लेट्स नॉट वेट एंड लेट्स स्टार्ट अवर चांद रात ब्लॉग। इफ यू है, हमने उसके लिए ना सोडिया से इस तरह कपड़े लेके आए था, उसकी कपड़े चेक कर सिदार बुरे ग्यार 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 बिल्कुल पाकिस्तानी लग रही है और इतनी इतनी क्यूट लग रही है। सिदार सिदार ये चेक कर, ये चेक कर। और ये मेरी सबसे क्यूट नीस है, बी शे सोइले बी शे डिजाइन में उसकी शक्ल चेक कर। ये ऐसा लग रहा है उसको पाकिस्तान से उठा के लेके आई है। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ हम क्या बना रही है। हम बना रही है तुर्किश बाकलावा। तुर्किश बाकलावा क्या होती है, एक्चुअली ये बाकलावा ना ज़्यादातर बहिर में रेडी मिलती है, लेकिन हम जब ईद होती है ना ये बाकलावा हमारे अपनी घर पे बनाती है। छोटी ईद में भी बड़ी ईद में भी कोई गेस्ट आती है ना, हम इसको ये वाला बाकलावा सर्व करती है। अन्य वो बाकलावा हम रुंदा ने वार तमाम ने वार आंदा है, दही है, तमाम बटर है, नॉर्मल ऑयल है, तमाम सिरका है और फ्लोर है। ये सारी चीज़ें ना इन्होंने ऐसे एक बेस बनाती है, मिक्स कर बाद में ना ऐसे छोटी छोटी बॉल बनाती है। नीचे लेयर के लिए 15 होने चाहिए, ऊपर लेयर के लिए 15 होने चाहिए, वो भी क्रिस्पी होने के लिए। फिर बाद में इन्होंने ऐसे छोटी छोटी बना के हेड 15 को ना ऐसे ऊपर ओपन करता है, फिर बाद में ना ऐसे नीचे हमने 15 का लगाया ना उसकी नीचे ऊपर हम लगाती है वॉलनट। अगर आप करना चाहती है आप पिस्ताचो भी रख सकती है, लेकिन अम्मी ने ना वॉलनट रखा है, वॉलनट का भी उसने ना अच्छी खास क्रश किया है और उसके ऊपर बटर किया है। अभी ये एक बेस हो गया ना, फिर बाद में इनको 15-15 ऊपर रख के बिल्कुल इस साइज में खोल के ऊपर रखना है, बटर रखना है और इसको कट करके ओवन में देना है। ये होती है बाकलावा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर हम नॉर्मल डे में ना बाहर में जाके लेके खाती है, लेकिन ईद में ना हम खुद बनाती है। जब वो कटिंग हो जाएगा मैं आपको वही भी दिखाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर हमारे एक छोटी फीस है, नॉर्मली ये मेरी काम बहन करती है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। ऐसे ना इसको 12 करना है, 12 नहीं इसकी साइज में करना है, फिर हर लेयर को ऊपर ऊपर रखना है। फिर सबसे बड़ा लेयर तो मेरी अम्मी बनाएगा, वो नहीं बना सकता, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे देखिए इस तरह हमने खोल दिया, देखिए ऊपर ना थोड़ी सी और हम डाल के ऐसे इधर रखता है, बस मैं इतना कर सकती हूँ, मैं निकलती हूँ। हमारी खत्म हो गया, अभी हमने इसको ना ओवन भेजने से पहले इसकी कटिंग कराती है, ताकि ओवन के बाद इसको कट करना, वो पकने के बाद इसको कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे ऊपर से ले फिर साइड से ऐसे ले करके ऊपर बटर लगा के और ओवन में भेजेंगे। एंड में हमने इसकी शरबत बना के और शरबत ही लगाएंगे, फिर हमारे बकलावा रेडी होगा। हमने अभी यलोवा सिटी सेंटर में आया, इधर थोड़ी सी ईद का शॉपिंग करना है और अपनी नीस के लिए हमने ना इधर से कपड़े वगैरह देखना है। अगर ये पहले होना तो मैंने आप लोगों ने यही कहना था, गाइस यलोवा ना बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि आज चांद रात है, सारे लोग ना शॉपिंग करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन मक्का और मदीना देखने के बाद ना मुझे यलोवा बिल्कुल रश नहीं लगता है। अभी हमने तुर्की की एक लोकल ब्रांड है, इसका नाम है डिफैक्टो, डिफैक्टो में आया और इधर से शॉपिंग करके फिर बाद में बाज़ार में जाके खाने की चीज़ें खरीद लेंगे। शॉपिंग किसके साथ आया, मेरी बहन सलाम रसना एक्चुअली वो बहुत कैमरा शाय है, अम्मी मेरी नीस और मेरी दूसरी बहन सलाम मेरी लायदा, हम सब आके अभी शॉपिंग कर लेंगे। इधर से थोड़ी सी कपड़े वगैरह देखना है, लेकिन एक चीज़ बताओ
ये देखिए, दिस इज 1300 यार। इट्स ए नॉर्मल जैकेट इतनी महंगा ही है, लाइक बहुत महंगा है। इवन ना ये ब्रांड ना पहले तुर्की में सबसे सस्ता ब्रांड ही थी। जब ये लास्ट इन्फ्लेशन की बात ना, सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगा होना स्टार्ट किया, और अभी हमने ऊपर चलती है। चला आने 1100। और मेरी निस भी सबको ना डांस का परफॉर्मेंस दे रही है। इकरा फिर ना फिर देखो कैसे डांस कर। मेरे चैनल में ना काफ़ी ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स आ चुकी हैं, उनको भी ऐसे इंफॉर्मेशन देती हूँ। मैं इस्तांबुल में बस काम करती हूँ। मैं पैदा हो गया यलोवा सिटी में। ये यलोवा सिटी पहले इस्तांबुल की पार्ट थी। 1995 में यलोवा खुद शहर बन गया। अगर आपने इस्तांबुल से यलोवा आना चाहती है, या नया नया ब्रिज ओपन हुआ, आप ब्रिज से आ सकती है, या अगर आप लोग आना चाहती है आप लोग फेरी से भी यलोवा में एक अंत में आ सकती है। बहुत नज़दीक है इस्तांबुल से। और बाय द वे, मैं पैदा हो गया इस शहर में। अभी हमने जाके ईद के लिए कुछ चीज़ें लेती हैं और गिफ्ट वगैरह लेंगी, और उसके लिए अभी हमने थोड़ी सी बाज़ार की तरफ जाना है। लोकल बाज़ार वो थोड़ी सी और नीचे है। चलो आपको भी मैं उधर लेके चलती हूँ। हमारी ईद में ना हम ज़्यादातर लोगों को देती हैं बखलावा। मैंने आपको घर में भी दिखाया हमने किस तरह बनाया। इधर अभी इतनी ज़्यादा रश है, लोग आई थिंक जब गेस्ट आएगा ना उनको देने के लिए इधर से बखलावा ख़रीद लेती हैं। अगर आप घर में नहीं बना सकती है, हर फेस्ट्री में ना इस तरह बखलावा आपको नज़र आएगा, और आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल घर में नहीं बनाती है, इधर से आके परचेज करके अपने घर लेके चलती है। ज़रूर ईद में हर तुर्किश लोगों की घर पे ये बखलावा होना ज़रूरी है। अभी ईद हो रही है ना, ईद की वजह से देखिए हर जगह पे ये लोग इधर ना कैंडी रखी है। आप लोग ना छोटी ईद कहती हैं, हम भी तुर्किश में इसको कहती हैं शेकार बायरम, लाइक कैंडी ईद। क्योंकि सारे लोग ना अपने घर के लिए ऐसे कैंडीज लेती हैं, सारे बच्चों ने ना घर से निकल के दूसरा नेबर के घर जाके उधर से कैंडी, वो मेरी नीस सारी गिरा दिया, उधर से ना कैंडी वो खोले करता है। इधर बहुत ज़्यादा महंगा है। हमारी इधर ना एक फेवरेट जगह है, फेवरेट ग्रोसरी शॉप, हमने जाके उधर इसे शॉपिंग करना है। अभी हम उधर चलते हैं। चला हमने शॉपिंग इस ग्रोसरी शॉप से करना है। इवन ये जगह ना नॉर्मल लोकल बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। इधर ना तुर्किश कॉफ़ी है। ये तुर्किश कॉफ़ी जब रात होती है ना ईद की टाइम, वो गैस वगैरह आती है, तुर्किश कॉफ़ी ना हम बहुत ज़्यादा बनाती हैं। लेकिन हमने इधर असली पॉइंट में चलती है कैंडी। जब छोटी ईद होती है उसका मीनिंग होती है कि कैंडी, और है ग्रोसरी शॉप भी ना अपनी कैंडी वाला एक जगह बनाती है। अभी जाके मैं वही भी दिखाती हूँ। और लोगों की हाथ में देने के लिए एक हैंड सैनिटाइज़र भी लेना है, क्योंकि हैंड सैनिटाइज़र बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये देख, ये ऐसे ऊपर से इधर तक सारी ना कैंडी वाला जगह है। ये उल्खेर का चॉकलेट वाला कैंडी है, और ये चीज़ें इनकी ना थोड़ी सी और महंगा वाला है, क्योंकि ये उल्खेर की ना ज़्यादातर अच्छा ब्रांड वाला होता है। ये शोलैन है, शोलैन भी बहुत अच्छा वाला चॉकलेट है। अगर आपने सस्ता लेना है, ये चीज़ें बच्चों को बांधने के लिए ज़्यादातर लोग यही लेती हैं, आपने लिए भी ऐसे ना चॉकलेट वाला लेती हैं। इधर ये वाला है, ये पहले ना हम केजी लेती थी, अभी इतना महंगाई हो चुकी है, उन्होंने ऐसे छोटे पैकेट करके ही रखा है समझ से बाहर। ये मेरी फेवरेट है ओक्टाविया, इसके अंदर ना वॉलनट होती है इसलिए। और इधर ना सारी कैंडीज है। अभी हम भी हमारी शॉपिंग कर लेती हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी हमने एंड में क्या क्या ख़रीद लिया। और इस ईद की दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये है हैंड सैनिटाइज़र। जब हमारे घर में कोई आती है, हम पहले उनको हैंड सैनिटाइज़र देती हैं, उसके बाद ना कैंडीज सर्व करते हैं। आई थिंक
ज़्यादातर हमको लेमन वाला पसंद है, इससे मैंने लेमन वाला ले लिया। ये भी 68 टर्किश लीरा है। और इधर हमारी डिलाइट्स वगैरह भी हैं, डिलाइट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा शोर हो रही है, लेकिन हमारे घर में डिलाइट्स है इसलिए हम इस टाइम डिलाइट्स नहीं लेंगे। और हम हमारी खिंडीज ले लिया और ये ले लिया। ऑलमोस्ट घर के लिए दो तीन चीज़ें वो खाना बनाने की टाइम पे ज़रूरत है वो ही लेंगे और हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाएगा। मेरी फैमिली भी इधर ही है, वो लोग इधर से लेती हैं। आई डोंट नो अमीन एक्स्ट्रा क्या क्या लिया है, मैं वही देखती हूँ। और ग्रीनरी लिया है, ग्रीनरी कह रही हूँ, ग्रीन चीज़ें लिया है, ग्रीन चीज़ें चलो छोड़ दिया। मैंने क्या लिया है, लेमन वगैरह है, टोमेटो पेस्ट और पास्ता लिया है। बाजार से हमारी शॉपिंग करके आया। ये है हमारी शरबत, बकलावा की शरबत है। मेरी अम्मी ने ना ये बहुत पहले से बना के फ्रिज में रखा था ठंडा ठंडा। ये हमारी बकलावा हो गया, हमने ऊपर थोड़ी सी शरबत लगाया, लेकिन वो जब शरबत लेती है ना बहुत ज़्यादा खाती है एक्चुअली ये स्वीट। ऐसे ना हमने ड्राई जगह में दोबारा ऐसे ना शरबत इसकी बनाती है, तो मैंने सारी नहीं करना क्योंकि देखे ऑलरेडी ऊपर अंदर काफ़ी शरबत है इसके। और ये हमारी बकलावा रेडी हो चुकी है। आज हम कभी भी नहीं खा सकते, अदरवाइज अभी हमको मरेगा, कल हम ये बकलावा खाएंगे। यस, तुर्की में लास्ट रोज़ा की अभी अजान हो रही है, आज चांद रात तक कल ईद है। अजान की आवाज़ कितनी अच्छी सी आ रही है, सुन लो थोड़ा सा। या कल चांद रात है आप लोगों की, कल आप लोग रोज़ा होंगे, जिस ये वीडियो देखेंगे हमारी ईद होगा। अभी मैं घर चलती हूँ आप लोगों का हमारी इफ्तारी दिखा के, और आज की वीडियो में इधर ख़त्म कर लेती हूँ। चले हमारे आज की लास्ट इफ्तारी में क्या है, हमारी आज की लास्ट डे का सूफरा है आपको दिखाती हूँ। अम्मी ने बनाए हैं आलू गोश्त, इधर हमारी है लाकिन तुर्की स्टाइल में। इधर है हमारी दाल वाला सूप, ये है हमारी ना फ्रूट वाला जूस एंड फ्रूट, ये है किशमिश, अम्मी इसकी ना बहुत अच्छे से वो जूस बनाती है। इधर हमारी सैलेड है, कल से हमारी ना साजमा एंड दोलमा है, अभी हम हमारी इफ्तारी करने लगी हैं। हमारी इधर ये व्लॉग ख़त्म हो गया, कल ईद व्लॉग में मिलेंगे। सिद्धार्थ बाय बाय आप, एंड वी ब्रिंग हिम फ्रॉम सऊदी अरबिया। सिद्धार्थ बाय बाय।